ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करेंगे, साइन जीरो जीरो होता है, नीचे जीरो आ जाएगा। इट मीन्स क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा सॉल्व करना है। ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन बी साइन एक्स, ठीक है, ऐसा है। और लिमिट क्या चल रही है, एक्स टेंस टू जीरो। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, वन होता है ना। तो साइन एक्स के नीचे यहाँ पर एक्स नहीं है, तो एक्स लेकर आता हूँ। कहाँ से लेकर आऊँ इसको, एक्स को, तो आप क्या करो, यहाँ एक्स से डिवाइड और एक्स से क्या करा दो, मल्टीप्लाई। एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, ए प्लस कॉस एक्स, और नीचे एक्स बी और साइन एक्स अपॉन एक्स। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट क्या चल रही है, एक्स टेंस टू जीरो। अब आप इस लिमिट को सेपरेट करेंगे, लिमिट ए प्लस, ए में तो कोई लिमिट नहीं लगेगी, इस लिमिट को यहाँ लगा दो, एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स अपॉन बी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इस लिमिट को यहाँ पर, जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा एक्स वहीं तो लगाओगे आप लिमिट, तो यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्स है ही नहीं, है ना। तो इसको इसके साथ लिखना है और इसको इसके साथ लिखना है, ठीक है। ए ऐसे ही, ठीक है, प्लस यहाँ जीरो रखेंगे, क्या आएगा, कॉस जीरो अपॉन बी, ऐसे ही, ठीक है। ये टर्म आप जानते हो, इसको आप वहाँ क्या कहते हो, वन, है ना, इनटू में क्या चल रहा है, वन। इसका आंसर क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। और सॉल्व करते हैं, ए प्लस कॉस जीरो कितना होता है बेटा, वन होता है, कॉस जीरो कितना होता है, वन, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, बी, तो ये आपका आंसर आ गया, ए प्लस वन अपॉन बी। कैसे किया, ऐसा क्वेश्चन आया, साइन एक्स के नीचे मैंने एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ से एक्स कॉमन लेकर ये नीचे जो एक्स लिखा था इसको कैंसिल कर दिया, इस लिमिट को इसके साथ अलग लिखा, इसके साथ अलग लिखा, इस टर्म को हम वन कहते हैं। यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस वन अपॉन बी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, है ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप सीधी वैल्यू पुट कीजिए, एक्स की वैल्यू जीरो, सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या, जीरो, ठीक है, कॉस ये जीरो ऐसे ही, ठीक है। सेकेंड जीरो कितना होता है, वन होता है, तो आंसर कितना आएगा, जीरो इंटू वन, आंसर क्या आ गया, जीरो, ठीक है। बहुत आसान वाला क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, यहाँ जीरो पुट किया, जीरो ऐसे ही, ठीक है, सेकेंड जीरो क्या होता है, वन, जीरो इंटू वन, जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जीरो पुट करूँगा, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, जीरो प्लस जीरो, जीरो, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, पहले थोड़ा सा सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, है ना। यहाँ साइन ए एक्स है, इसके नीचे क्या करता हूँ, ए एक्स से डिवाइड और ए एक्स से मल्टीप्लाई, ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर बी एक्स से डिवाइड और बी एक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, ये तो अब आपको समझ में आता ही होगा, ये एक फॉर्म बन जाएगी और इसको आप वन कह देते हो, है ना। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या कॉमन है, एक्स, तो क्या बचेगा हमारे पास, ए बचेगा, और साथ में क्या चल रहा है, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, ठीक है, प्लस बी, ऐसा आ जाएगा, अपॉन यहाँ से भी एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स
ठीक है, और यहाँ से x गया तो क्या बच गया होगा b, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ऐसा। फिर से यहाँ से x कॉमन आया, क्या बचेगा a प्लस बी, ठीक है, यहाँ से x कॉमन आया क्या बचेगा a b और ये ब्रैकेट, ठीक है, और लिमिट क्या चल रही है x टेंस टू जीरो, x से x कैंसिल, ठीक है। अब आप समझ गए हो क्या करने वाला हूँ, मैं लिमिट को सेपरेट कर दूँगा, a लिमिट x टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। यहाँ क्यों नहीं लिख रहा हूँ लिमिट, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, तो लिमिट कहाँ लगाऊँ, अपॉन a प्लस b, यहाँ पर लगानी है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, ठीक है। a इसको क्या कहते हैं, वन, ठीक है, तो वन कह दिया प्लस b अपॉन a, ऐसे ही ठीक है, प्लस b, इसको भी फटाफट से बताइए क्या कहते हैं, वन कहते हैं, ऊपर क्या आ गया a प्लस b, नीचे क्या आ गया a प्लस b, ठीक है, a प्लस b जीरो के इक्वल नहीं है, ये क्वेश्चन में पहले ही बता रखा है उसने, ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस b से a प्लस b कैंसिल, क्या आएगा आंसर, वन आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये समझ आया, ओके, बिल्कुल सिंपल है। फिर से देखिए, यहाँ ए एक्स से डिवाइड किया, ए एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया वो आपको पता है, साइन बी एक्स था, बी एक्स से डिवाइड किया, बी एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, इससे यहाँ पर अलग लिमिट लगाई जा सकती है और यहाँ पर अलग लिमिट लगाई जा सकती है, ठीक है, इस टर्म को आप वन कहोगे, इसको आप वन कहोगे, ए प्लस बी ऊपर भी आएगा नीचे भी, ये कैंसिल होगा और आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ x की वैल्यू अगर डायरेक्ट जीरो पुट करेंगे तो आप जानते हो कोस x जीरो क्या होता है, अनडिफाइन होता है ना, अनडिफाइन में से कुछ भी माइनस करेंगे तो अनडिफाइन ही रहेगा, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अनडिफाइन बन जाएगा, है ना, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कोस x को आप क्या कहते हो, वन अपॉन साइन x कॉट x, आप जानते हो इसको कॉस x अपॉन साइन x, ये क्लास टेंथ में पढ़ा था आपने, कॉट x क्या होता है, कॉस x अपॉन साइन x, ठीक है, लिमिट x टेंस टू जीरो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे साइन x आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस x, ओके। यहाँ कुछ फॉर्मूले लगा देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक फॉर्मूला है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कॉस एक्स का फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले भी मैंने ये यूज किया था कहीं पर, है ना, साइन एक्स का भी एक फॉर्मूला फिर से यूज कर रहा हूँ, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं, उनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉस एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, एक ये फॉर्मूला, और साइन एक्स टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, अगर अभी तक नहीं याद किए हैं तो इनको याद करो, तो ये हो जाएगा बड़े आसानी से, इसको वन माइनस ओपन करोगे तो वन से वन कैंसिल हो गया होगा, माइनस माइनस ये प्लस आया होगा, क्या टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और अपॉन में क्या चल रहा था, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, और लिमिट क्या चल रही है, x टेंस टू जीरो, ठीक है, ऐसा चल रहा है। फिर से यहाँ वन से वन कैंसिल हुआ होगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया होगा, ये टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, क्या बचेगा, यहाँ एक साइन एक्स बाई टू बचा होगा और यहाँ कॉस एक्स बाई टू, है ना, स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर से एक कट गया होगा, एक बचा होगा और ये नीचे चल ही रहा है। अब आप इसको क्या कहते हो, x टेंस टू जीरो साइन x बाई टू अपॉन कॉस x बाई टू क्या होता है, टेन x बाई टू, ठीक है, यही कहते हो आप, साइन अपॉन कॉस को टेन कहते हो ना, तो ये टेन x बाई टू आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर दो, तो x की वैल्यू आप जब यहाँ जीरो पुट करेंगे
तो क्या आ जाएगा टेन जीरो, जीरो अपॉन टू क्या आएगा जीरो, टेन जीरो कितना हुआ करता है हमारे पास जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर से वन अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है ऐसा चल रहा है। इसका एलसीएम लिया, कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाया, साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया, वन से वन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, टू से टू कैंसिल, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू, लिमिट पुट की आंसर आ गया। ओके क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ x की वैल्यू पाई बाई टू रखूँगा तो नीचे जीरो आ जाएगा, मीन्स पहले सॉल्व करना होगा, सॉल्व कर लेते हैं, है ना, नीचे पाई बाई टू रखूँगा तो यहाँ जीरो आएगा, मतलब फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करें, तो x माइनस पाई बाई टू, है ना, x माइनस पाई बाई टू, इस टर्म को मैं y मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ y, ठीक है। तो अब अगर मैं x इसको y मान रहा हूँ तो जो मेरी नई लिमिट होंगी वो y की लिमिट होंगी, कितनी होंगी, x की लिमिट यहाँ कितनी है पाई बाई टू, तो यहाँ पुट करो क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। लिमिट कैसे निकालते हैं यहाँ दिखा रहा हूँ, x माइनस पाई बाई टू इक्वल्स टू y, इसको आपने क्या माना y, x की लिमिट कितनी है पाई बाई टू, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, ठीक है, तो y टेंस टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, x माइनस पाई बाई टू में y टेंस टू क्या है जीरो, कब, जब x टेंस टू क्या है पाई बाई टू। ठीक है, आगे x माइनस पाई बाई टू की तो जगह आप y लिख देंगे, टेन टू x की वैल्यू, अगर यहाँ से हमें ये x चाहिए, इस x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी y प्लस टू, क्या आ जाएगी पाई बाई टू प्लस y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई टू प्लस y, तो x की जगह लिख देता हूँ पाई बाई टू प्लस y। ठीक है, फिर से x माइनस पाई बाई टू को हम क्या कहते हैं y कहते हैं, अगर x की वैल्यू पाई बाई टू है तो y की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। ठीक है, इस x की जगह कहाँ से निकालेंगे वैल्यू, यहीं से निकालेंगे, ये पाई बाई टू उधर जाएगा, तो पाई बाई टू प्लस वाई। ओके, लिमिट y टेंस टू जीरो, इस टू का मल्टीप्लाई कराएंगे, टेन इस टू को अंदर ले जाएंगे, टू पाई अपॉन टू प्लस टू वाई, अपॉन में क्या चल रहा है y, ठीक है, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, लिमिट टेन क्या बचेगा हमारे पास पाई प्लस टू वाई अपॉन में y, ठीक है ऐसा आ जाएगा। टेन पाई प्लस टू वाई को आप क्या लिख सकते हैं पाई प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे आप, है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो टेन पाई प्लस टू वाई को क्या लिख सकते हैं हम टेन टू वाई, ठीक है पाई प्लस टू वाई, पाई प्लस टू वाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो टेन कैसा होगा पॉजिटिव होगा, अपॉन में मेरे पास क्या चल रहा है वाई चल रहा है। अब इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ टेन एक्स अपॉन एक्स होता है, है ना, यहाँ पर टू वाई है लेकिन यहाँ पर अभी केवल वाई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा टू से नीचे डिवाइड करा दीजिए, ठीक है, और टू से ही क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, क्यों किया, क्योंकि इस एंगल को और इस नंबर को हम कैसा बनाना चाहते हैं सेम बनाना चाहते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू टू, टू बाहर लिखेंगे, लिमिट y टेंस टू जीरो, टेन टू वाई अपॉन y, है ना, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, ये टर्म किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा टू आ जाएगा। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें ये क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व करना है, लिमिट x टेंस टू जीरो के लिए, ये हमें फंक्शन गिवन है। ठीक है, फंक्शन जब हमें गिवन होता है इस फॉर्म में तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू जीरो के लिए निकालना है, तो आप एक नंबर लाइन खींचिए, वहाँ पर क्या ड्रॉ क्या बनाएंगे आप, वहाँ जीरो बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप फंक्शन डिसाइड करेंगे, जब x की वैल्यू जीरो से लेस होंगी
तब कौन सा फंक्शन काम करेगा? जब x लेस है या इक्वल्स टू है जीरो के, तो कौन सा फंक्शन काम करेगा? 2x plus 3। ये फंक्शन कहाँ तक काम करेगा? यहाँ तक काम करेगा, ठीक है, इधर तक काम करेगा, और इधर ये ओपन है, इस तरह से ये चलता जा रहा है, ठीक है, 2x plus 3 इस तरह से ओपन है, ठीक। x की वैल्यू जब लेस देन जीरो या इक्वल्स टू होंगी तो फंक्शन कौन सा काम करेगा? 2x plus 3 काम करेगा, जीरो पर भी और उससे छोटी वैल्यू जो स्मॉल वैल्यू होंगी उनके लिए, सबके लिए, ठीक है। अच्छा, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तब ये फंक्शन काम होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 3x plus 1, ये फंक्शन स्टार्ट होगा यहाँ से और ये आगे तक ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, जब x की वैल्यू 0 होगी या 0 से कम होगी तो 2x plus 3 काम करेगा, 0 होगी या 0 से लेस होगा तो ये फंक्शन काम करेगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, ओके। अब आपको लिमिट रखनी है, तो जब आप लिमिट रखते हैं तो आप क्या करते हो, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हो इधर, और फिर राइट हैंड लिमिट निकालोगे उस साइड में, ठीक है। दो काम आप करते हो, कौन कौन से? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम राइट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो के लिए एक क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है। अब आपको लेफ्ट हैंड पर दिखाना है, तो जीरो से इधर आप लेफ्ट साइड दिखाने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 0 negative। ये नेगेटिव केवल क्या दिखा रहा है कि x की वैल्यू 0 से लेफ्ट साइड में ली जा रही है, ठीक है। 0 से लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव नंबर होते हैं, तो ये नेगेटिव केवल उसको दिखा रहा है, ठीक है। और साथ में क्या, fx जो भी फंक्शन काम कर रहा होगा, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 negative, ठीक है। याद रखेंगे 0 negative किसको दिखा रहा है? लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। 0 negative, 0 की पावर negative, इस बात का मतलब केवल ये है कि x की वैल्यू लेस देन है या इक्वल है, ठीक है। तो लेस देन, यहाँ पर लेस देन या इक्वल टू के लिए कौन सा फंक्शन है? तो इस fx की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 2x plus 3, क्या रख देंगे? 2x plus 3, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 2 into 0 plus 3, आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसका सिंबल क्या है? x टेंस टू 0 negative, ये क्या दिखाता है? लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है, ओके। वहाँ पर हमें फंक्शन डिसाइड करना है, हमें कैसे पता चलेगा फंक्शन कौन सा रखना है? तो 0 negative का मतलब 0 से लेस वाला फंक्शन कौन सा है? 2x plus 3, वो रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 0 रख देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3। क्या याद रखना है आपको? इस 0 negative का मतलब ये नहीं है कि यहाँ माइनस का 0 रखना है, ये केवल क्या शो करने के लिए है? लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा आपको क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू उस साइड में, 0 से इस साइड में राइट हैंड लिमिट को शो करने के लिए आपको क्या लिख देंगे यहाँ पर? प्लस। ये प्लस का साइन केवल क्या दिखा रहा है? कि हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, ठीक है। इसके लिए फंक्शन डिसाइड करना है आपको, लिमिट x टेंस टू 0 positive के लिए फंक्शन क्या है? 0 positive का मतलब 0 से बड़ा, ठीक है, 0 negative का मतलब 0 से छोटा। 0 से हमें ग्रेटर नंबर के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा? 3x plus 1। जब x क्या है? ग्रेटर देन 0, तब क्या काम करेगा? 3x plus 1, ठीक है। 3x की वैल्यू पुट कर दें, 0 plus 1, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है? राइट हैंड लिमिट के, इसलिए फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, fx exist। क्या लिखेंगे? fx exist एंड लिमिट x टेंस टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है, ठीक है, दोनों के लिए कितनी आ रही है? 3 आ रही है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ओके।
अब x इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं. ओके अब लिमिट x टेंस टू 1 के लिए इस क्वेश्चन को देखेंगे. सेम फंक्शन वही है, x इक्वल टू 1 के लिए देखना है. सबसे पहले आप क्या निकालते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं हम, x टेंस टू किसके लिए निकाल रहे हैं, 1 के लिए, यहाँ 1 लिख लेंगे. और लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए क्या दिखा देंगे यहाँ पर, नेगेटिव. ठीक है, और उसके लिए हमें कोई एक फंक्शन डिसाइड करना है इनमें से. लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव. ठीक है, फंक्शन क्या काम करेगा, 1 से स्मॉल. तो 1 से स्मॉल पता करना है अगर आपको, तो यहाँ पर 0 के बाद कहीं 1 बना लीजिए, है ना. तो 1 से स्मॉल देख रहे हैं आप, इस वाली लाइन के लिए फंक्शन कौन सा है, 3x plus 1. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 3x plus 1 इस तरह से है. ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है. अब आप x की वैल्यू पुट करेंगे, 3 1 plus 1, आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा. ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या निकालोगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू. क्या लिखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, जो भी लिमिट होगी उसको ऊपर प्लस का साइन बना देंगे. वो किसको दिखाता है, राइट हैंड लिमिट को, मीन्स 1 से ग्रेटर के लिए. ठीक है, 1 नेगेटिव का मतलब 1 से स्मॉल, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से ग्रेटर. लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से स्मॉल जब आपने देखा तो ये लाइन मिली, ये वाली लाइन के लिए फंक्शन ये था. लेकिन 1 से ग्रेटर देखोगे तब भी ये लाइन यही फंक्शन काम कर रहा होगा, क्योंकि ऐसे चलता जा रहा है. तो 1 से स्मॉल के लिए भी यही फंक्शन है और 1 से ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा. 3x plus 1, 3, 1 रखेंगे, 1 plus 1, तो आंसर क्या आएगा, 6. ठीक है, ये समझ आया. अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये बनेगा कि 1 से स्मॉल तो यहाँ पर आगे जाकर ये भी आ सकता है, भाई 2x plus 3 भी तो आ सकता है. 1 से इधर चलूँगा तो केवल इतना ही क्यों लिया आपने. तो आंसर है कि जब आप ये लिमिट जब लगाते हो 1 नेगेटिव या 1 पॉजिटिव, तो इसका मतलब होता है स्लाइटली, केवल आप क्या लिखते हो, स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली लेस देन 1. ठीक है, या जब आप पॉजिटिव लगाते हो तो स्लाइटली मोर देन 1, स्लाइटली मोर देन 1. 1 की पावर माइनस, ये 1 माइनस का क्या दिखाता था, 1 से लेस, कितना लेस. तो आंसर है बहुत छोटा सा लेस, थोड़ा सा बिल्कुल उसके आसपास. तो 1 से लेस यहीं कहीं, यहां पर कहीं पर कौन सा फंक्शन होगा, 3x plus 1. ठीक है, और 1 प्लस का मतलब 1 से स्लाइटली मोर, स्लाइटली का मतलब बहुत छोटा सा मोर, यहां से थोड़ा सा ज्यादा. ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां कहीं, थोड़ा सा ज्यादा यहां पर. और अगर लेस देखना है तब भी आप थोड़ा सा लेस देखेंगे. ठीक है, तो आप ये वाली बात आप याद रखेंगे कि 1 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, स्लाइटली लेस देन 1, और 1 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, स्लाइटली मोर देन 1, छोटा सा मोर. ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मोर. ठीक, तो ये आपका आंसर बन जाएगा. ठीक है, ये समझ में आया. तो स्लाइटली लेस देन 1 के लिए भी ये 3x plus 1 ही है, और मोर के लिए भी 3x plus 1 रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं. ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, ये लिमिट x टेंस टू 1 के लिए fx फंक्शन पॉजिटिव स्लाइटली मोर हो या स्लाइटली लेस हो, आंसर क्या आता है, 6 आंसर आता है. ठीक है.